चांदी एक ऐसा धातु है जिसको मानव सभ्यता ने बहुत पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने पहला धातु तो नहीं था वो, लेकिन हाँ वो पूर्ववर्ती धातुओं में से एक जरूर था। तो सोचिए जब मानव ने चांदी का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा तो किस पैमाने पर चांदी मिला होगा? बृहत पैमाने पर। ज्ञान थी नहीं सूक्ष्म पैमाने पर उतरने की, और नैनो की तो बात छोड़ी दीजिए। तो बृहत पैमाने पर जब चांदी मिला तो चांदी के गुण क्या थे? धातु है तो मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, लस्ट्रस है यानी कि मुलायम है, तार खींची जा सकती है, पीठ के परत बनाई जा सकती है, उसके अंदर धातु की खनक है, उसके अंदर धातु की चमक है। और लोगों ने क्या किया उस जमाने में चांदी के इस गुणों को पढ़कर किस पैमाने पर? बृहत पैमाने पर उसका इस्तेमाल शुरू किया। बर्तन बनाए, कटोरे बनाए, ग्लास बनाए, उसी में किसी ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा परावर्तक भी है, तो उसको घिस के दर्पण बना दिया। यही सब काम कर रहे थे। कुछ ज्यादा अगर हाथों में हुनर आ गई तो उसके पतरे पतरे तार निकाल के क्या बना दिया? आभूषण बना दिया।